नमस्कार, मैं हूँ यश खुराना और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। चाहे आप जहाँ कहीं भी बैठकर कंप्यूटर चला रहे हो, चाहे घर हो या फिर ऑफिस हो, अब आपको सतर्क रहना होगा क्योंकि किसी भी वक्त किसी भी क्षण सरकारी जांच एजेंसियां आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकती हैं। जी हाँ, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में 10 एजेंसियों को अधिकार दिए गए हैं कि वे इंटरसेप्शन, मॉनिटरिंग और डिक्रिप्शन के मकसद से किसी भी कंप्यूटर के डेटा को खंगाल सकती है। आपके कंप्यूटर पर क्या चल रहा है, अब जांच एजेंसियों को इसकी जासूसी करने की परमिशन है। ये जांच एजेंसियां किसी भी व्यक्ति के कंप्यूटर में जनरेट, ट्रांसमिट, रिसीव और स्टोर किए गए किसी दस्तावेज को देख सकती हैं। अब आपको बताते हैं कि वह कौन कौन सी एजेंसियां हैं जिनको यह अधिकार दिए गए हैं। सबसे पहला CBI, दूसरे नंबर पर NIA, तीसरे नंबर पर डायरेक्टरेट ऑफ रिवेन्यू इंटेलिजेंस, चौथे नंबर पर इंटेलिजेंस ब्यूरो, पांचवें नंबर पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, फिर प्रवर्तन निदेशालय जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, कैबिनेट सेक्रेटरिएट, डायरेक्टरेट ऑफ सिग्नल इंटेलिजेंस और सबसे आखिरी में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। साथ ही दिल्ली के कमिश्नर ऑफ पुलिस को गृह मंत्रालय की तरफ से देश में चलने वाले सभी कंप्यूटर की जासूसी करने की मंजूरी दी गई है। यहां तक कि इस आदेश के बाद राजनीतिक पार्टियों में भी सियासत शुरू हो चुकी है। दरअसल सरकार की निजता पर वार को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि अब पता चला कि घर घर मोदी कैसे है। वहीं कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने भी कहा कि सरकार लोगों की निजता में सेंध मार रही है। सरकार के फैसले पर नाराजगी जताते हुए कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी भाजपा के नारे की तर्ज पर कहा कि अब की बार निजता पर वार। तो ये था पूरा मसला, ये थी पूरी कहानी। और इस मसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।